नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत सारी चीजें आपके सिर के ऊपर से जा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअल में क्या है। तो थोड़ा सा और इजी इस चैप्टर को करते हैं। अब इसको इजी करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आपकी एक जर्नी देखते हैं या टाइम लाइन ऑफ चैप्टर का, जितना भी टाइम लाइन है जैसे वो चलेगा उसके अकॉर्डिंग या आपके हिटलर का टाइम लाइन देख लेते हैं या चैप्टर में हिटलर की जर्नी। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ तो मैंने उसको हिटलर की जर्नी नाम दिया है। हिटलर की जर्नी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिखना आप लोग मेरे साथ साथ स्टार्ट करो, साथ में ही उसको एक्सप्लेन करेंगे, वेट नहीं करेंगे उस चीज के लिए कि मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो चीज लिखूंगी उसको साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हेडिंग रखोगे आप लोग टाइमलाइन ऑफ हिटलर, टाइमलाइन ऑफ हिटलर, हिटलर जर्नी, जो हिटलर की जर्नी है उससे रिलेटेड टाइमलाइन, ताकि आपको पूरी डेट्स, मेन रीजन था कि आप लोगों को डेट्स रिमेम्बर नहीं थी, आपकी डेट किसी को भी बार बार उसको रिकॉल करते हो भूल जाते हो, रिकॉल करते हो भूल जाते हो। तो हम इसको इजी वे में कर लेते हैं, पूरी स्टार्टिंग से जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेट आप लोग रखोगे, क्योंकि हिटलर से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं तो हिटलर का बर्थ, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 1889 का टाइम लिया, बर्थ ऑफ हिटलर, बर्थ ऑफ एडॉल्फ हिटलर। सेकेंड हम लोग इसके साथ चलेंगे 1914 टू 1918 का टाइम, हिटलर इस टाइम पे क्या करते हैं, ही ज्वाइन आर्मी एज अ मैसेंजर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। फर्स्ट टाइम जब आपका वॉर हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर को देखा था, तो उसका टाइम पीरियड था बेटा 1914 टू 1918। पूरा वर्ल्ड आपका टू पार्ट्स में डिवाइड था, और टू पार्ट्स में जो डिवाइड था उनको बोलते हैं हम पावर्स। टू पावर्स में वर्ल्ड डिवाइड था, और पावर्स क्या थी, वो आपकी फर्स्ट थी अलाइड पावर हितेन, याद होगी आपको, तो याद है, थोड़ी बहुत याद है, अलाइड पावर। सेकेंड वन सेंट्रल पावर, ये तो याद होगा ना, हम लोगों ने इसको नाम वर्ल्ड वॉर कब दिया था, इनिशियल एज में इसका नेम था ग्लोबल वॉर। फर्स्ट अलाइड पावर में आपके पास एक पावरफुल यूरोपियन कंट्री थी, उसका नाम गया, जिसका नाम था इंग्लैंड, सेकेंड फ्रांस, थर्ड रशिया एंड लास्ट यूएस। रशिया लेफ्ट करेगा बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, लेफ्ट इन 1917, याद है आपको क्यों लेफ्ट किया था अरब इसने, रशिया ने वर्ल्ड वॉर वन को 1917 में, तेजस नहीं पता, क्योंकि इसकी खुद की कंट्री में क्या स्टार्ट हो गया था, रेवल्यूशन स्टार्ट हुआ था, रशियन रेवल्यूशन टू टाइम स्टार्ट हुआ था, वो फेब्रुअरी एंड अक्टूबर, याद होगा ये चीज तो, ओके yes, okay, तो ये लेफ्ट करते हैं क्योंकि खुद की कंट्री में प्रॉब्लम चली है, और यूएस ज्वाइन करेगा 1917 में, 1917। सेंट्रल पावर की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेन पावर जो थी आपकी ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम में अगर यहां पर कोई डायनेस्टी रूल करती है वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी। सेकंड बेटा आपका जर्मनी, जर्मनी में जो काइजर था उनका नेम था काइजर विलहेम। थर्ड अपने पास था ओटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो आपका मॉडर्न टर्की है, और खलीफा हाईएस्ट पोस्ट थी बेटा इस्लाम की, खिलाफत मूवमेंट आप लोगों ने 8th क्लास में देखा होगा,
इंडिया के अंदर अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने बॉम्बे में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। वो इन्हीं के फेवर में किया था। इस्लामिक हाईएस्ट पोस्ट होती है, जैसे आपकी क्रिश्चियनिटी के अंदर हाईएस्ट पोस्ट क्या थी, क्रिश्चियनिटी में आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है पोप, तो ऐसे ही इस्लाम के अंदर आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है खलीफा, जो एंड होगी थी 1919 में। यहां तक देख लिया। अब क्या है, आर्मी ज्वाइन की है इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट एज अ सोल्जर नहीं, एज अ मैसेंजर इसने आर्मी ज्वाइन की है। तो आपके हम बात कर रहे थे हिटलर की 1914 टू 18 का जो इसका टाइम पीरियड था या जर्नी थी, वो थी इसकी वर्ल्ड वॉर को, एज अ मैसेंजर इसने ज्वाइन किया है। देन बात करते हैं 1919, ही ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी नेम जर्मन, ये याद रखना बेटा, जर्मन वर्कर पार्टी। अब क्या होते हैं 1923 का टाइम पीरियड आएगा बेटा, बीच में भी वो काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, और डायनेस्टी थी हैब्सबर्ग, नहीं याद रखनी तो मत रखो, कोई इश्यू नहीं है इस बात का। फिर जर्मनी, और देन आपका थर्ड नंबर पे ऑटोमन एम्पायर। 1923 की बात करते हैं। अब आपका हिटलर जैसे ही वॉर एंड होता है तो पूरा जर्मनी जो था वहां पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी आई थी। लास्ट टाइम भी हम लोगों लास्ट क्लास में देखा था, स्पार्टिक्स पार्टी थी आपके पास, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, ऐसे ही आप लोगों के जो स्पार्टिस्ट लोग थे वो डिमांड कर रहे थे बोल्शेविक गवर्नमेंट की। बोल्शेविक गवर्नमेंट मीन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, जैसे रशिया में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। तो यहां पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी थी बेटा आपकी, साथ में आपका हिटलर भी काम कर रहा था। हिटलर क्या करता है, इसने लोगों को बोलना स्टार्ट किया, जैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्साय होती है तो ये लोगों का फेवर लेता है। फेवर किस चीज में लिया, इसने चिल्लाना स्टार्ट किया कि जर्मन आर्मी तो कभी डिफीट हो ही नहीं सकती किसी से, उसको तो इन लोगों ने, जो आपके कौन थे, आपके पावर के लिए जो ग्रीडी लोग बैठे थे, कौन, नवंबर क्रिमिनल्स, इन लोगों ने ट्रीटी को साइन किया है और इसीलिए हम लोगों को मजबूरी में ट्रीटी साइन करनी पड़ी है। अब क्या करते हैं, हम इसके अगेंस्ट आर्मी कोप करेंगे, ऐसा उसने डिसाइड किया, और वो करता भी है। 1923 के अंदर वो बावरिया को सीज करेगा, एक जगह का नाम था, और फिर वो बर्लिन पे अटैक करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बट उसको अरेस्ट कर दिया था 1923। कंट्रोल ऑन बावरिया, जगह का नाम है, एंड मार्च, अटैक वाला मार्च बेटा, मार्च टू बर्लिन बट अरेस्टेड सेंट टू जेल। अरेस्ट कर लिया था और जेल में चला गया, जहां ये अपनी बुक लिखेगा मेन कैंप। देन करते हैं 1929 का टाइम, 1928 कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड गॉट 2.6% वोट। देन 4 ईयर का टाइम पीरियड होता है जर्मनी के अंदर, 1932 अगेन पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन वोट 37% एंड हाईएस्ट
लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जर्मन वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी जिसको हम बोलेंगे बाद में, उसने आपकी मैक्सिमम वोट गेन की थी 1932 का जो इलेक्शन था उसके अंदर। क्या हो गया? जैसे इसको वोट मिलती है, इसको इरेज कर दूं क्या? इसको भी ना करूं, ये तो लिख ही लिया होगा ना, ये तो लिख लिया होगा ना, ब्रैकेट में समझ नहीं आ रहा क्या किधर? मेन कैंप, आप बुक का नेम है मेन कैंप, माय स्ट्रगल्स, माय स्ट्रगल्स लिख लो, हिटलर की बुक थी माय स्ट्रगल्स, ये इरेज कर दूं इस साइड से, ये नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। किधर बेटा? 1932 अगेन पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, वोट 37% एंड बिकेम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जर्मनी। यार वहां तो स्पेस कम है, फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी ना। इलेक्शन आए 1932 के अंदर 37% पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल जाती है। अब हिटलर काफी पॉपुलर था, पॉपुलर हुआ जो कंट्री का प्रेसिडेंट था, लास्ट टाइम हम लोगों ने इस करेक्टर को देख लिया था, हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब इसको क्या कर देता है, ऑफर किया उसने जनवरी के अंदर वाइस चांसलर की पोस्ट, जो प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट थी जर्मनी के अंदर। इन 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, क्या बेटा? लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बेटा। मैम इसी ईयर में हिटलर ने अपने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर भी निकाल दिया। हाँ, अभी 1933 में ही आउट करेगा, वो क्विट करेगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, यूएनओ जब कर रहे थे लीग ऑफ नेशन किया था, उसमें जर्मनी का क्विट का टाइम आया था, जर्मनी ने क्विट कर लिया था, उसको फोर्सफुली पहले मेंबर बनाया था, देन वो क्विट करता है, तो ऐसे ही अब यहां करेंगे कि हिटलर उसको क्विट करेगा। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर हिम सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पोस्ट highest post of highest post of chancellor highest post of रुद्र जाओ बैग लेके आ जाना, बात कर लेना पहले, क्या बात? हिंडनबर्ग ने अब उसको चांसलरशिप की हाईएस्ट पोस्ट ऑफर कर दी है 30 जनवरी 1933 को। 28 फरवरी अभी क्या होता है, जब इसको हाईएस्ट पोस्ट मिलती है सारी पावर इसके पास आएगी, हिटलर के पास। हिटलर इसी चांस में था कि कब उसको कोई ऐसी पोस्ट मिले और वो सबको कंट्रोल करे। बट दूसरी जो, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं आपका जर्मनी क्या है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, वहां पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, दूसरे उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट होते हैं तो उसको उन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट राइस्टाग के अंदर सबमिट करना था, बट 28 फरवरी 1933 को हिटलर क्या करता है, अपनी पार्लियामेंट में ही आग लगवा देता है। पार्लियामेंट में जब वो सारे एविडेंस बर्न हो गए हैं आपके, देन ये ब्लेम करते हैं डच मैन को, एक डच मैन ने, उसने बोला कि इस डच मैन ने आग लगाई है,
और बाद में उसका भी असैसिनेशन करवा देता है, जबकि सबको पता था काम ये हिटलर का ही है, बट सब लोग नहीं बोल पाए इसके अगेंस्ट। 1933 फायर इन पार्लियामेंट, नेम था पार्लियामेंट का1933 इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट पास्ट डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस। Quit the League of Nations. Next, 1936 reoccupy the Rhineland. Rhine kya hai beta? रिवर ऑफ जर्मनी। तो इसका एरिया जो आपका ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद किसके पास चला गया था, फ्रांस के पास गया था, उससे वापस ले लिया है। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड। इन 1938 गिव द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। फर्स्ट सेप्टेंबर इन्वेड पोलैंड एंड beginning of Second World War. इसको इरेज करूं अब? ये देख लिया 30th जैन को प्रेसिडेंट उनको क्या करते हैं, हिटलर को प्रेसिडेंट का नेम था हिडनबर्ग, उनको चांसलर पोस्ट की ऑफर कर दिया, हिटलर को ऑफर कर दिया। जैसे ही हिटलर को चांसलरशिप ऑफर हुई है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके अगेंस्ट थी, वो उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करती है जिसको वो पार्लियामेंट में लेके आने वाले थे। बट 28th of Feb 1933 को आपके हिटलर ने क्या किया, अपनी पार्लियामेंट में ही आग लगवा दी, जिसका ब्लेम किसको किया, एक डचमैन को कर दिया। 3rd March को उसने क्या किया, पार्लियामेंट का नेम है राइस्टाग। 3rd March 1933 को अपनी कंट्री में इनेबलिंग एक्ट पास करता है। इनेबलिंग एक्ट का मतलब क्या है, वो डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दी, जितने भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स थे वो फंडामेंटल राइट्स जर्मन पीपल से स्नैच कर लिए हैं। 1933 में वो क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं लीग ऑफ नेशन। 28 मेंबर थे इनिशियल लीग ऑफ नेशन के, अब वहां से इसने क्विट कर दिया। 1936 में ऑक्यूपाई कर लिया इसने राइनलैंड को जो फ्रांस के पास था। 1938 के अंदर एक स्लोगन देते हैं वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, मतलब क्या था, जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया जहां पर जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, जर्मन बोलते थे, उन एरिया को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया।
चाहे आपके वस्तुतिलैंड थे, चेकोस्लोवाकिया था, कुछ भी था, इन कंट्रीज को उसने कैप्चर किया। कैप्चर करके क्या बोल रहा है वो इस टाइम पे, वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर, यानी जहां पर जर्मन स्पीकिंग पीपल है, आर्यन लोग है, वो सारी कंट्री किसके अंडर होगी, हिटलर के अंडर। देन वो 1939 को, अभी तक आपकी लीग ऑफ नेशन बिल्कुल काम फुली बैठी थी, कोई इसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहे थे। 1 सितंबर 1939 को इसने अटैक किया पोलैंड पे, और पोलैंड पे जब अटैक होता है ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू आपका स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट करते हैं बेटा, लिखा आपने लास्ट पे बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नहीं मैम 1939 की साइड में, 1 सितंबर, चलो फर्स्ट लिख लो ना बेटा, बोल तो मैं फर्स्ट रही हूँ ना। नीदरलैंड से था बेटा, हॉलैंड से था वो, पोलैंड के आगे है एंड बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट सेप्टेम्बर इनवेड अटैक 1940, ये याद रखना बेटा, ट्राई पार्टी पैक्ट साइन। अब जापान के साथ भी इसने एक ट्रिपार्टी पैक्ट साइन किया, और इस इसमें कौन कौन लोग हैं वो देखेंगे हम लोग, जर्मनी होगा, इटली, और आपका कौन होगा दूसरे नंबर पे, जापान भी होगा, इटली, और थर्ड कौन होगा, इटली। जर्मनी को का रूलर इस टाइम कौन है, हिटलर, जापान में कौन है, हिरोहितो, और इटली में है मुसोलिनी, तीनों के रूलर थे ये। और इसके मेन जो कंट्री के लिए भी कर रहा था ये टाइमलाइन, 1933 टू 38 का टाइम पीरियड था जब नाजी लोगों ने अपने आप को पूरा टेरर स्प्रेड कर दिया था अपना, इसको लिखो नाजीज टेररिस्ट एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज। ज्यूज़ लोगों को अलग कर करके किल कर रहे थे इनको। 1939 टू 45 का टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड है बेटा, वर्ल्ड वॉर सेकंड, यस वर्ल्ड वॉर सेकंड, एंड पूरे इसमें मास किलिंग ऑफ पीपल। देन हम बात करेंगे इसने 1932 के अंदर, 1922 में द यूथ ऑफ लीग, अपनी एक द यूथ लीग ऑफ नाजी, नाजी बच्चों की एक नाजी यूथ इसने रेडी किया था। एक और इसने किया था 1922, हाँ एक्टिव था ये उस टाइम पे, अपना काम तो कर रहा था ना, पावर में नहीं था बट एक्टिवली काम कर रहा था। यंग वॉक इसने एस्टेब्लिश किया, ये जेई है बेटा, ये आपके थे जो किड्स होते थे बिलो बिलो 14 इयर्स,
और एंट्री लेते थे, ये एंट्री थी इनकी, एंट्री एट द एज ऑफ 10 ईयर। इसको इरेज करूं बेटा? अरे यार इसको साइड वाले को, आरती को समझ नहीं आ रहा, तो उसको तो नहीं इरेज करूंगी। है आरती? अच्छा कनिष्का, वीडियो में आने के लिए। ओके क्या बेटा, चलो कुछ मेन टर्म्स हैं, मेन वर्ड हैं जो आपके इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, वो लिख लेते हैं हम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, 11 फ्रॉम मीनिंग लीविंग स्पेस, हिटलर जब अपने सराउंडिंग एरिया को कैप्चर करता है, जर्मनी के आसपास के एरिया को, वन पीपल वन एम्पायर ऐसा उसने बोल के जब आसपास की कंट्रीज को कैप्चर करना स्टार्ट किया था, तब वो लेवेंस्ट्रॉम थ्योरी को फॉलो करता है। मतलब लिविंग स्पेस चाहिए, लिविंग स्पेस के बारे में वो बात कब लिखी उसने, उसके दिमाग में आई जब उसने अपनी मेन कैंप लिखी थी। मेन कैंप मतलब क्या है, माय स्ट्रगल्स, हिटलर लिख रहा है ये बुक माय स्ट्रगल्स, और जिस टाइम वो अपनी बुक लिखता है तो वो सबके लिए स्ट्रेटजी रेडी करता है। किसके लिए? अपनी कंट्री के फार्मर्स के लिए, अपनी कंट्री के सिटीजन्स के लिए, अपनी कंट्री के कैपिटलिस्ट लोग यानी बिजनेसमैन के लिए, सोल्जर्स के लिए, वो हर किसी के लिए प्लानिंग करके चलेगा। जब हम इस चैप्टर को कर रहे होंगे वो अलग अलग आपको दिखेगा भी, इस टाइम वो फीमेल के लिए बात कर रहा है, इस टाइम वो अपनी कंट्री के चिल्ड्रन के लिए बात कर रहा है, देन कंट्री के सिटीजन के लिए बात की, बिजनेसमैन के लिए बात की, फार्मर्स के लिए बात की, वो सबके बारे में बात करते हुए चलता है। तो इसीलिए उसने जो थ्योरी फॉलो की थी, लेवेंसम मीन्स लीविंग स्पेस। नेक्स्ट आपका एक वर्ड आएगा, साइनिंग रिव्यूज, SYNAGOGUES, वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज, ज्यूज लोग जहां अभी पूजा पाठ करते हैं उसके लिए, जैसे क्रिश्चियन लोग चर्च के अंदर जाते हैं, आपके इस्लामिक लोग मॉस्क्यू में जाएंगे, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, हम लोग टेंपल में जाते हैं, ऐसे ही जिस जगह पे ये लोग जाते हैं, ज्यूज लोग, उसके लिए वर्ड यूज होता है साइनिक रूज। देन Reichstag, Parliament of Germany, Parliament of Germany, अरब रशिया की पार्लियामेंट का नेम क्या था? रशिया की पार्लियामेंट यार भूल गए, ड्यूमा किसका नाम था फिर? ड्यूमा नेम नहीं था? ऐसे ही जर्मनी की पार्लियामेंट का नेम भी आया अभी, इंडिया की पार्लियामेंट का नेम तो पता है,
संसद, चलो शू करे वो तो पता है, भैया वो भी नहीं पता था, हितेन ने ही आंसर किया और संसद उसने किया, किसने किया? रशिया की पार्लियामेंट का नेम ड्यूमा नहीं था क्या? चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गवर्नमेंट मिली है उसको वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट बोला है, ठीक है? उसकी बात कर ली, वाइमार रिपब्लिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है अलाइड पावर की हेल्प से, आपके जर्मनी के अंदर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, जिस जगह पे आप जर्मनी का नाम जर्मनी ना रख के उन्होंने क्या रख दिया, वाइमार रिपब्लिक। एक जगह थी, एक सिटी थी, आज भी वो सिटी प्रेजेंट है जर्मनी में, और उसका उस टाइम पे नाम दे दिया वाइमार रिपब्लिक। आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, और वाइमार रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कौन थे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट। नवंबर क्रिमिनल्स याद है आपको? यस मैम, शुक्र है भाई। नवंबर क्रिमिनल्स लोग जो थे कौन कौन थे बोलो जल्दी से, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स, ठीक है? करूं इसको भी रेज? अरे ये तो मैंने बताया ही, तुम लोगों को बता दिया क्या? 1922 के अंदर हिटलर ने अपनी कंट्री में एक्टिव था, बट पावर में नहीं था। अपनी कंट्री के अंदर द यूथ लीग ऑफ हिटलर या यूथ लीग ऑफ नाजी उसने एक एस्टेब्लिश की थी। उसमें क्या लोग होते थे, जो आपके बच्चे थे वो 14-18 ईयर के सारे लोग होते थे, बच्चे होते थे, और उनको रेडी कर देता था, वो अपनी आर्मी के लिए रेडी करता था। ऐसे यंग वॉक थे उनके पास, जे से स्पेलिंग होगी बट बोलना ये है, यंग वॉक थे वो, जो 10-14 ईयर के किड्स होते थे उनको यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेन करता था नाजी यूथ बनने के लिए। तो यहाँ पर यंग वॉक अपन लोगों के पास थे, यानी हिटलर के पास थे, ये सारा काम इस तरीके से करता है। अब इसकी कुछ एक आर्मी थी हिटलर के पास, खुद की आर्मी थी कुछ, उनको देख लेते हैं। ये तो कर दूं ना, हिटलर आर्मी, यामिनी हिटलर आर्मी करेंगे बेटा। फर्स्ट नंबर पे गेस्टापो, इसको आप बोलोगे सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी, सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी, या पॉलिटिकल पुलिस भी बोल सकते हो। हिटलर पुलिस भी बोल सकते हो, ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी ये। गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर पीरियड, वो थी एक्टिव, बहुत एक्टिव थी, पॉलिटिकल पुलिस भी बोल सकते हैं, हिटलर पुलिस भी बोल सकते हैं। ये गेस्टापो थी, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहनती थी, जैसे हम लोगों ने रशिया वाले चैप्टर में क्या देखा था, चेका,
चेका पुलिस की बात की थी। चेका उनकी क्या थी? सीक्रेट पुलिस थी। अगर इंडिया की बात करते हैं तो कौन सी होती है? रॉ। तो ऐसे ही इनके पास भी एक सीक्रेट पुलिस थी। इसका काम क्या होता था? जो आपके ज्यूस लोग थे उनको सर्च कर करके लेके आती थी या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। ज्यूस लोग वहां छिपे हुए, ये काम करती थी। दूसरी इसके पास थी, अपने पास हिटलर के पास जो फोर्स थी बेटा, उसका नाम था ऐसे, दूसरी थी बेटा एस ए, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स एसएस प्रोटेक्शन स्क्वेयर्स, जिसको हिटलर अपने साथ रखता था। फोर एसडी क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज। हिटलर की आर्मी या हिटलर की फोर्सेस की बात की है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है गेस्टेपो की, जो सीक्रेट पुलिस थी, पॉलिटिकल पुलिस थी हिटलर की। काम क्या था उसका? ज्यूज लोग जो सेग्रीगेट कर रखे थे उन लोगों ने, उनको सेपरेट करते थे और फिर बताते थे कि यहाँ पर ये ज्यूज लोग छिपे। जिस टाइम आपका हिटलर मास किलिंग कर रहा था, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स थे, फाइटर लोग थे, इनका ये काम था। एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, जो आप हिटलर अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ रखता था, जिनको वो एसएस होते थे। देन एसडी क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी पुलिस, सबसे क्रूर पुलिस इसको बोलते थे एसएस को, कि किसी को भी किसी भी तरीके से किसी भी हद तक किल कर सकते हैं, ऐसा इसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्या करें? ट्रीटी ऑफ वर्साय देख ले। यस मैम। आपकी पता नहीं क्या ही बोल रही है। कब साइन होती है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। कौन साइन करते हैं? अलाइड पावर वर्सेस जर्मनी, सिर्फ जर्मनी के अगेंस्ट होगी बेटा। कंडीशंस, कंडीशंस फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन परसेंट जर्मन कॉलोनीज कैप्चर, सब कुछ अलाइड पावर करेंगी। कितने क्या हो रहा है? सो क्यों रहा है? सेकेंड 26% कोल, 75% आयरन कैप्चर्ड बाय डेनमार्क, लिथुएनिया, फ्रांस एंड पोलैंड। फिर क्या किया? आर्मी सीज कर दी। आर्मी 1 लाख, ये आर्मी इसकी सीज कर दी, 1 लाख तक आर्मी रखेगा। वार गिल्ट,
ये याद रखना बेटा, वार गिल्ट क्लॉज, फाइन, सिक्स बिलियन पाउंड, और फिफ्थ नंबर पे 10% पॉपुलेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन होती है जर्मनी के अगेंस्ट, उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि सारा ब्लेम आपके जर्मनी को कर दिया, कि जो भी कुछ था कि जर्मनी की वजह से ही सब कुछ वॉर होता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने यस किया था ऑस्ट्रिया को अटैक करने के लिए, तो इसको ब्लेम किया जर्मनी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो वो उसी के अगेंस्ट एक ह्यूमिलेट करने वाली, इंसल्ट करने वाली ट्रीटी साइन करते हैं, जिसकी कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहले क्या किया, 13% जो आपके हिटलर की हिटलर नहीं जर्मनी की कॉलोनीज थी, हिटलर अभी तक नहीं आया, उसकी सारी कॉलोनीज को क्या कर दिया, ओवरसीज कॉलोनी थी उसने वहीं यूरोप में कैप्चर कर रखी थी, उनको एलाइड पावर ने ले लिया। 26% कोल एंड 75% आयरन, ये चार कंट्रीज आपस में बांट लेती है। देन आर्मी उसकी सीज कर दी, क्योंकि एक पावरफुल आर्मी थी, अगर आर्मी नहीं होगी तो वो किसी पे अटैक नहीं करेगा, 1,00,000 तक आर्मी उसके पास रहेगी। वर्ल्ड क्या है, वॉर गिल्ट क्लॉज, कि आपने वॉर स्टार्ट किया उसके गिल्ट के लिए आपको क्या कर दिया, फाइन लगा दिया, फाइन था 6 बिलियन पाउंड का। देन सेंट 10% पॉपुलेशन जो है वो भी अलाइड पावर्स ने इससे ले लिया, जो उसकी ब्रेन था एक तरीके का, फर्टाइल ब्रेन जो जर्मनी का था उसको वो अपने साथ लेके गए, ये था इसके साथ। और भी कुछ था, और एक और चीज थी, नेक्स्ट वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, ठीक है बेटा, वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, ट्रीटी ऑफ वर्साय समझ आया, ओके ये समझ आया, ओके।